नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। हमारे खास पेशकश ग्रेट प्लेस टू लिव इन लग्जरी हाउसिंग इन एनसीआर। अगर आप एनसीआर इलाके में हैं और यहां पर आप एक अफोर्डेबल से ऊपर हटके एक लग्जरियस अपार्टमेंट की तलाश में हैं, तो हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे कि कहां पर एनसीआर में आपके पास है बेहतर विकल्प और कौन कौन से वो प्रोजेक्ट है जहां पर कि आपको देना चाहिए खास ध्यान। और यही नहीं, लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने से पहले आपको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरह की आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, इन सभी पर करेंगे विस्तार से बात। कुछ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको उसके पहले बता दें कि क्या कभी आपने सोचा कि लग्जरियस विला, पेंट हाउस या इस तरह के जो महंगे जो अपार्टमेंट होते हैं वो इतने महंगे होते क्यों हैं? आखिर इनमें ऐसी कौन सी बात होती है कि जिसके वजह से इन मकानों की कीमत करोड़ों रुपए में होती है? दरअसल इन अपार्टमेंट्स के महंगे होने के पीछे कई सारी वजहें होती हैं। बिल्डर्स भी अच्छी कीमत की उम्मीद में लागत की परवाह किए बिना ऐसे प्रोजेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए खूब पैसा लगाते हैं। आलीशान घर यानी रहने का शाही तरीका, घर की एक एक चीज सलीके से बनाई और सजाई हुई, स्पेशियस कमरे, इम्पोर्टेड टाइल्स, शानदार बाथरूम। जाहिर है इन सुविधाओं के लिए आपको करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे घर के एक्सटीरियर सबसे अलग तो होते हैं ही और इंटीरियर पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। जब कीमत इतनी ज्यादा है तो इनके ग्राहक भी खास होंगे। इनके खरीदार ऐसे होते हैं जिन्हें पैसों के लिए बैंकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बिल्डर्स का मानना है कि बाजार में इस सेगमेंट के खरीदारों की कमी नहीं है। इस सेगमेंट में जब बिल्कुल आदमी एक थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है, अपर सेगमेंट में चला जाता है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली पैसे की वैल्यू कम हो जाती है उसको। तो उसको एक की जगह दो मकान खरीदने में या तीन मकान खरीदने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत ज्यादा चूजी और बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो ज्यादा फ्लैशी होता है, ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी होती है या एक अपस्केल बिल्कुल अपार्टमेंट होती है, तो उन लोगों के पास पैसा है तो वो खरीद लेते हैं। अब बात ये आती है कि सुपर लग्जरी फ्लैट के महंगे होने की वजह क्या है, आखिर क्या खास है जो इन्हें महंगा बनाता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए बिल्डर्स एकदम बेहतरीन लोकेशन का चुनाव करते हैं। लग्जरी फ्लैट्स में बिल्डर्स स्पेस का बेहद ध्यान रखते हैं। ऐसे फ्लैट्स का एरिया 3000 स्क्वायर फुट से 18000 स्क्वायर फुट तक होता है। ऐसे फ्लैट्स के अंदर टेरेस, लिविंग रूम और बेडरूम के अलावा जिम, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, स्पा, ग्रीन एरिया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। मेट्रो सिटीज में भारी पैमाने में लग्जरी प्रोजेक्ट्स तैयार हो रहे हैं और यही वजह है डेवलपर्स ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर हेलीपैड, हाइपरमार्केट, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भी दे रहे हैं। मिडिल क्लास में अब एस्पिरेशंस आ रही हैं। अपर मिडिल क्लास शुरू से ही कॉन्शियस थे कि कहां वो रहें, कैसे रहें। अब मिडिल क्लास भी ग्रेजुअली उस तरफ एस्पिरेशंस हो रही हैं और उसका एक रीजन ये भी है कि उस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में दिखते हैं। बिल्डर्स के मुताबिक मेट्रो सिटीज में महंगे घरों की मांग लगातार बढ़ रही है। प्रॉपर्टी बाजार में इस सेगमेंट के खरीदारों की कमी नहीं है। यही वजह है बिल्डर्स ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखकर बंगलों जैसी सुविधाएं अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में दे रहे हैं। लग्जरी घरों के खरीदार अफोर्डेबिलिटी की बजाय क्वालिटी में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए थोड़े महंगे घर लेना भी पसंद करते हैं। शिल्पी दुदेजा, जी बिजनेस, नोएडा। तो आखिर लग्जरी के मायने क्या हैं और ये लग्जरी क्या अफोर्डेबल है या आसानी से अवेलेबल है और बेहतरीन प्रोजेक्ट इस वक्त आपको कहां मिल सकते हैं? दो बेहद खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। प्रशांत तिवारी, एमडी प्रतीक ग्रुप के, और राजेश मेहरोत्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट रिलेशन आम्रपाली ग्रुप से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश साहब, पहला सवाल आपसे है, जब हम बात करते हैं लग्जरी की तो लग्जरी का मतलब प्रतीक ग्रुप के लिए क्या है और किस तरह से आप लग्जरी को रीडिफाइन करते हैं? देखिए, लग्जरी जो लिविंग है उसको डिफाइन करने के लिए एक तो नोएडा के अंदर बात करते हैं तो नोएडा के अंदर अभी तक लग्जरी के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, लेकिन
अफोर्डेबल हाउसिंग पिछले 2-3 साल से सभी लोग बना रहे थे, हम भी बहुत बना रहे हैं, लेकिन लग्जरी के बहुत ज्यादा ऑप्शन ना होने की वजह से हमने सेक्टर 107 में प्रतीक एडिफिस के नाम से एक लॉन्च किया। उससे पहले सेक्टर 45 में प्रतीक स्टाइलोम भी लॉन्च किया। अब लग्जरी को डिफाइन कैसे करते जो आपने पूछा जी, सबसे पहले तो उसके एक हो गया कि एक हमें एक एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, मिनिमम एरिया फ्लैट का उसके अंदर हम क्या रखें, मतलब सेगमेंट उसके अंदर हम क्या रखें, तो किस तरह के लोग उसके अंदर आके रहें जी, उसके अंदर क्लास एलीट क्लास होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कि मिनिमम साइज ऑफ द फ्लैट हम उसमें ज्यादा रखते हैं, मिनिमम साइज हम 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट रखेंगे और मैक्सिमम लिमिट 4000 5000 या उसके ऊपर भी रखा जा सकता है, लेकिन जैसा सेल होगा मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट का साइज होना चाहिए। उससे क्या हो गया, तो प्लॉट एरिया के अंदर डेंसिटी बहुत कम हो गई। अगर हम उसी प्लॉट के अंदर बनाए, हम मान लीजिए 800 फ्लैट बना सकते थे उस प्लॉट के अंदर, लेकिन हमने हाई एंड देने के लिए हमने सिर्फ 400 या 450 फ्लैट ही डिजाइन किए, तो वो एक लग्जरी के लिए वो भी हो गया कि हम ज्यादा एरिया के अंदर कम लोग रहेंगे, तो लग्जरी का ये भी डेफिनेशन है। दूसरा उसका स्पेसिफिकेशन बहुत हाई एंड किए जाते हैं, जैसे फ्लोरिंग जो है विट्रीफाइड टाइल की जगह हम लोग इटालियन मार्बल फ्लोरिंग करते हैं उसके अंदर। नॉर्मल जैसे कि सीलिंग हाइट होती है फ्लैटों के अंदर 10 फीट होती है मैक्सिमम, लेकिन हमने इसमें 11 फीट सीलिंग हाइट रखी है, जिससे ग्रैंडनेस आए आदमी के अंदर। पहले बड़े बड़े पैलेस बनते थे, कितनी सीलिंग हाइट कितनी ज्यादा हुआ करती थी, अब आज वो नहीं है, कल्चर खत्म हो गया, इससे भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस पर इफेक्ट करती है। प्लस मॉडुलर किचन है, वार्डरोब्स है, फॉल सीलिंग की पीओपी फॉल सीलिंग करके देते हैं उसके अंदर, वॉलपेपर है, टेक्सचर पेंट है, इस तरह की बहुत सी सुविधाएं दी जाती है। प्लस क्लब वगैरह है, क्लब हम नॉर्मल बनते हैं इसमें बनते हैं, फैसिलिटीज क्लब की चेंज कर दी जाती है, हाई एंड क्लब बना दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज को जोड़ते हुए डेंसिटी कम करते हुए, एक तो प्रोजेक्ट की डेंसिटी कम करते हुए, दूसरा उसके स्पेसिफिकेशन को हाई एंड करते हुए जो बीच बनाई जाती है वो लग्जरी में कैटेगरी में आ जाती है जी। मल्होत्रा साहब, क्या सिर्फ साइज से लग्जरी डिफाइन की जा सकती है कि या फिर कुछ और ऐसी बातें हैं जो कि एक लग्जरियस फ्लैट को एक स्टैंडर्ड फ्लैट से अलग बनाती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लग्जरी इज अ वाइड स्पेक्ट्रम वर्ड। सबसे पहले अगर आपके पास एनवायरमेंट सरीन होना चाहिए, इफ इट इज अ सरीन एनवायरमेंट यू कैन डेफिनेटली क्रिएट लग्जरी। नाउ लग्जरी कैन बी क्रिएटेड इन द स्मॉल स्पेस, स्मॉल स्पेस वेल यूटिलाइज्ड इज लग्जरी। यूज द बेस्ट ऑफ मटीरियल्स, यूज द बेस्ट ऑफ फिनिशेस, यू मेक यूज ऑफ योर एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ योर प्रॉपर्टी। वेल, अ टू बेडरूम फ्लैट कैन बी मेड इन टू अ लग्जरी। जब हम नोएडा की बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लग्जरी का आ तो चुका है, और ये लग्जरी कॉन्सेप्ट जैसे कि हमारे ग्रुप अमृतपाली ग्रुप ने सफायर सेक्टर 45 नोएडा वहां से शुरू किया, जहां हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम 4 बेडरूम पेंट हाउसेस, एंड आवर एंडेवर इज टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ अ लग्जरी फॉर एवरीवन हु सीज इट फ्रॉम स्मॉल लेवल टू हायर लेवल। लग्जरी डज नॉट ओनली मीन द फोर वॉल्स ऑफ द अपार्टमेंट, इट इज व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आर यू गोइंग टू प्रोवाइड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन इज ओवर। जब लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं एकोमोडेशन को, आपकी सर्विसेज जो है हाउ एफिशिएंट, हाउ क्विक, हाउ रिलायबल आर देयर। अगर आदमी इस लग्जरी सेटअप में उनकी डिमांड, वी हैव पेड यू फॉर द क्वालिटी, एंड क्वालिटी इज ऑल्सो बियॉन्ड द फोर वॉल्स ऑफ द यूनिट। एक बड़ा सवाल यह होता है कि क्या इस तरह के जो प्रोजेक्ट आप लेकर आते हैं लग्जरी प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें अगर आप नॉर्मल जो फ्लैट होते हैं उनसे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो डबल या फिर उससे भी ज्यादा कभी कभार यह हो सकती है, तो ऐसे में क्या इस रेंज के ग्राहक आपको आसानी से मिल जाते हैं और क्या एक प्रॉफिटेबल सौदा बिल्डर्स के लिहाज से है? नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ेगी जब हम स्पेसिफिकेशन बढ़ाएंगे उसके अंदर, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी बढ़ती है। अब हमको यह देखना है कि हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस कीमत तक बढ़ाएं। लग्जरी को डेफिनेशन है, स्पेसिफिकेशन हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, हम 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ला सकते हैं और 10000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ला सकते हैं, लेकिन डिजाइन करते समय प्रोजेक्ट को यह देखना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट है कहां पे, उसकी लोकेशन क्या है, वहां पे लैंड कॉस्ट क्या है, वहां पे
बायर उस रेंज के मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हमें 2000 वाली कंस्ट्रक्शन वहां करनी है, 3000 वाली करनी है, 4000 वाली करनी है, वो हमें लोकेशन पे डिपेंड करता है कि लोकेशन कहां पे उस प्रोजेक्ट की है और वहां पे उस तरह के कैटर हो पाएंगे कस्टमर या नहीं हो पाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिसाइड किए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसी हिसाब से डिसाइड की जाती है। कि कमर्शियली वायबल होते हैं प्रोजेक्ट? नहीं, कमर्शियली वायबल क्यों नहीं होंगे प्रोजेक्ट, कमर्शियली वायबल होते हैं प्रोजेक्ट उसमें, क्योंकि जो है उसी हिसाब से प्रॉफिट रेशियो जो उसी हिसाब से रखा जाता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस लैंड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट उसी के हिसाब से रखा जाता है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि जो इस तरह के सेगमेंट वाले फ्लैट्स हैं इसके लिए जो बायर्स हैं कस्टमर्स हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम इन द सेंस मान लो 100% में से 20% लोग ऐसे होंगे जो हाई एंड घरों को लेने वाले होंगे, 80% ऐसे होंगे जो मीडियम सेगमेंट के होंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग वाले होंगे, तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ बायर्स कम होती है। उसी को लिहाज करके सारे प्रोजेक्ट हम लोग लग्जरी नहीं बना सकते हैं, अगर हम 10 प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें से 2 लग्जरी बनाया और बाकी मीडियम सेगमेंट या हाई अफोर्डेबल हाउसिंग वाले बनाते हैं। कंज्यूमर्स के लिहाज से फायदा का सौदा होता है? नहीं, जिसको रहना है, जिसको हाई लाइफ स्टाइल लिविंग रहनी है उसके लिए वो फायदा है, सौदे का है क्यों नहीं है, दिक्कत है क्योंकि जी रहने के लिए आदमी मकान बना रहा है, देखते हैं यहाँ पे दिल्ली में भी लोग बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, यहाँ पे अगर नोएडा की बात ले लें सेक्टर 15 में भी लोग रह रहे हैं, सेक्टर 71 में भी रह रहे हैं, जहां पे एक जगह कीमत होगी प्लॉटों की 50,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, एक जगह होगी 2 से 3 लाख 4 लाख स्क्वायर पर मीटर, लेकिन 2 से लेकर 4 लाख पर स्क्वायर मीटर लेने वाले लोग कम होंगे लेकिन हैं, बाहर हैं जी। और ऐसे में अगर आप एक लग्जरी अपार्टमेंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो कहां पर आपको मिल सकते हैं बेहतरीन विकल्प, एक बेहद छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में अगर आप लग्जरी अपार्टमेंट की तलाश में है तो कहां पर मिल सकते हैं आपको बेहतरीन विकल्प। नोएडा में प्रतीक ग्रुप ने एडिफिस नाम से लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, 107 सेक्टर में यह बन रहा है और इसमें फ्लैट की शुरुआती कीमत 1,25,00,000 रुपए से शुरू होती है। नोएडा में प्रतीक ग्रुप ने एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये नोएडा के सेक्टर 107 में मौजूद है। 7 एकड़ एरिया में बन रहे इस प्रोजेक्ट में फ्लैट की शुरुआती कीमत 1,25,00,000 रुपए रखी गई है। इसमें 8 टावर्स बनाए जाएंगे। एडिफिस नाम से बन रहे इस प्रोजेक्ट में 3, 4 और 5 बेडरूम फ्लैट्स के विकल्प मिलते हैं। कंपनी के मुताबिक प्रोजेक्ट का पजेशन 4 साल में मिल जाएगा। स्टाइलों को देखते हुए प्रतीक एडिफिस जो है एक स्टेप ऊपर है प्रतीक स्टाइलों से। सेक्टर 107 में लोकेटेड है, जो एक्सप्रेस वे से फर्स्ट लेफ्ट टर्न कटेगा उस रोड के ऊपर लोकेटेड है। 75 मीटर की रोड है ये, उसके ऊपर अपोजिट टू सेक्टर 47। सबसे खासियत इसमें है कि इसमें भी 2070 स्क्वायर फीट से मिनिमम साइज से फ्लैट स्टार्ट किया गया है। प्रत्येक ग्रुप का एडिफिस नोएडा की प्राइम लोकेशन पे बन रहा है। प्रोजेक्ट के आसपास अच्छी सड़कों का जाल है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी नजदीक है और सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन की दूरी महज 3 किलोमीटर है। बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद इस प्रोजेक्ट में न सिर्फ असल खरीदार बल्कि निवेशक भी खासे दिलचस्पी ले रहे हैं। ग्राहकों को इसमें फ्लैट खरीदने के लिए 6,750 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च करने होंगे। फ्लैट के एरिया पर नजर डालें तो 3 बेडरूम के 2 साइज हैं, 2070 और 3200 स्क्वायर फीट। वहीं खरीदारों को 4 बेडरूम फ्लैट 3500 स्क्वायर फीट में बना मिलेगा। सबसे महंगा फ्लैट 5 बेडरूम का है और एरिया 4300 स्क्वायर फीट है। प्रोजेक्ट में फ्लैट का एरिया काफी बड़ा रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में डेंसिटी भी कम है, लिहाजा इस प्रोजेक्ट में खरीदारों को काफी खुला एरिया मिलता है। एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 ही फ्लैट है और हम उसमें 3 फ्लैट दे रहे हैं, 3 लिफ्ट दे रहे हैं, हाई स्पीड लिफ्ट 3 प्रोवाइड कर रहे हैं और सिर्फ 2 लिफ्ट है, वो 2 फ्लैट्स है एक फ्लोर के ऊपर। तो ये भी अपने आप में एक लग्जरी हो गया कि एक फ्लोर के ऊपर जो आदमी जाएगा 2 ही फैमिली रहेगी, 2 से ज्यादा तीसरी चौथी फैमिली कोई नहीं, 2 ही फैमिली है। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट होने की वजह से इसमें ग्राहकों के लिए वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज की सुविधा दी गई है। एडिफेस में रहने वालों के लिए कंपनी बेहतरीन क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, किड्स प्लेग्राउंड, जिम और स्पोर्ट्स क्लब की सुविधा दे रही है। रामेश्वर मिश्रा, जी बिजनेस, दिल्ली। क्या खासियत है इसकी तिवारी साहब, अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो किस तरह से बाकी के लग्जरी अपार्टमेंट से अलग है? जैसा कि हमने बताया, इसकी लोकेशन सबसे पहले हो गई सेक्टर 107 में है, जो कि कनेक्टिंग रोड एक्सप्रेस वे और दादी रोड को मिलाने वाली रोड के ऊपर है, 75 मीटर रोड है। दूसरी खासियत इसकी हो गई लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम 800 फ्लैट बना सकते थे लेकिन हमने सिर्फ 426 फ्लैट डिजाइन किए हुए हैं और एक फ्लोर के ऊपर सिर्फ 2 ही फ्लैट हम दे रहे हैं, इसके अंदर 3 लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 6 से लेकर 8 फ्लैट होते हैं एक फ्लोर के ऊपर और उसमें भी 2 या 2 लिफ्ट हुआ करती है, यहां पे हम सिर्फ 2 फ्लैट दे रहे हैं और 3 लिफ्ट दे रहे हैं।
दूसरा सारे फ्लैट जितने भी है सेंट्रल गार्डन फेसिंग के ऊपर फेस करते हुए हैं सारे फ्लैट इसके अंदर। सीलिंग हाइट इसमें हमने 11 फीट रखी हुई है, नॉर्मल 10 फीट होती है। मार्बल फ्लोरिंग के अंदर इटालियन मार्बल फ्लोरिंग कर रहे हैं इसके अंदर। जितने भी सीपी फिटिंग्स हैं चाइना वेयर है सारे हाई एंड लगा रहे हैं, रोका का या ग्रोहा का यूज कर रहे हैं इसके अंदर। मॉडुलर किचन वार्डरोब्स सारा हाई एंड बना के दे रहे हैं इसके अंदर। सबसे है कि इसके अंदर कोई भी ओपन पार्किंग हम प्रोविजन हमने इसके अंदर नहीं रखा है। सारा का सारा लैंड जो है वो 100% लैंड एक तरह से कहेंगे अप्रोक्सीमेट तो पूरा ग्रीन एरिया रखा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर की हाइट क्योंकि इसके अंदर हमने 26 फीट उठा दिए ग्राउंड फ्लोर पर हाइट, और उसके नीचे भी कोई पार्किंग नहीं है, वो भी लैंडस्केपिंग का एक पार्ट होगा, सॉफ्ट लैंडस्केपिंग हार्डस्केपिंग का पार्ट होगा। गाड़ियां सारी अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर पार्क होगी, जिससे कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करता है तो उसको चारों तरफ का देखता है तो ग्रीनरी नजर आएगी, कोई हैवर्ड में कोई भी चीज उसके अंदर नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देगा जी। बलतो साहब अगर हम आपसे पूछे तो कौन से खासतौर से अगर जब हम लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कौन सी बातें हैं जो कि सबसे ज्यादा जहन में रखी जाती हैं इन अपार्टमेंट्स को बनाते वक्त? देखिए जैसे सर ने अभी पहले आपको एक्सप्लेन किया कि लो डेंसिटी दैट गोज इन फेवर ऑफ अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स। एज फॉर एज लग्जरी फ्लैट्स आर कंसर्न, जैसे हम अब नोएडा एक्सटेंशन के अंदर लेजर वैली विलाज बना रहे हैं, इट इज गिविंग सच एन ओपन स्पेस, नाम के लिए नोएडा एक्सटेंशन है, लिविंग आज उसकी डिमांड इतनी है कि हमारे पास वो प्रॉपर्टी गिनी चुनी अवेलेबल है और डिमांड उसकी हाई है। आप दिल्ली के जैसे थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि दिल्ली के मकान बहुत अच्छे बने हुए हैं, नोएडा में भी मकान अच्छे बने हुए हैं, आज वो लग्जरी जो है मोस्ट ऑफ दी क्लाइंट्स आर लुकिंग इन टू, जिनको एक सिक्योर एनवायरमेंट में मिले, टू थ्री टियर सिक्योरिटी हो, इमीडिएटली सर्विसेज आर अवेलेबल टू यू। कोठी में रहने में ठीक है आप थोड़ी ओपननेस है आपको, सिक्योरिटी नहीं है, सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, यू कॉल अ प्लम्बर ही इज नॉट अवेलेबल टू यू व्हेन यू नीड इट, यू कॉल अ इलेक्ट्रीशियन ही इज नॉट अवेलेबल टू यू। These are the basic facts which somebody has to bear in mind when going in for luxury. जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया था हमारे सेक्टर 45 में सफायर, वी हैव स्टार्टेड विद लग्जरी फ्रॉम टू बेडरूम ऑनवर्ड टू पेंट हाउसेस ऑफ 3075। अफोर्डेबल लग्जरी इंट्रोड्यूस की है स्टार्टिंग जस्ट टू गेट ए फील फॉर एवरी वन की ये चीज भी अवेलेबल इस रेंज में हो सकती है, और इसको मोमेंट पीपल स्टार्ट utilizing it, enjoying it, they will certainly step up to ultra luxury environment. जी अल्ट्रा लग्जरी ये शब्द आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स की कितनी डिमांड इस वक्त दिल्ली एनसीआर में है और अगर है तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहां पर अवेलेबल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे बात, अब लग्जरी प्रोजेक्ट के बाद अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट भी होने लगी है। अल्ट्रा लग्जरी का मतलब क्या हुआ और किस तरह के ऑप्शंस फिलहाल इस वक्त दिल्ली एनसीआर में अवेलेबल है? देखिए अल्ट्रा लग्जरी एक लग्जरी से निकला हुआ एक और वर्ड है, लग्जरी है उसको और हमने अगर डिफाइन और उसको एक स्टेप और ऊपर ले जाना तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा लग्जरी। अब नोएडा के अंदर अभी तक बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, पिछले 3-4 साल के अंदर हम लोग सभी लोग जो है जितने भी डेवलपर थे नोएडा के अंदर सब मिड सेगमेंट के लिए बना रहे थे, क्योंकि 2008 के बाद जब रिसेशन एक बार आया था तो उसके बाद एक बार एकदम से डिमांड एकदम खत्म हो गई थी, और उसको देखते हुए फिर जब दोबारा 2009 में शुरू हुआ तो सभी लोग मिड सेगमेंट पर सबने कंसंट्रेट कर लिया। उससे क्या हुआ कि जो लग्जरी लाइफ या बड़े घरों में रहने की जिसको आदत थी वो उसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं थी, हर आदमी ने 900 स्क्वायर फीट से शुरू करके 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट बना के खत्म कर दिए सारे प्रोजेक्ट, इससे 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर का प्रोजेक्ट नहीं था पिछले दो तीन साल के अंदर। अब पिछले एक साल से लोगों ने शुरू हुआ है नोएडा के अंदर भी कि 2000 स्क्वायर फीट या 2500 स्क्वायर फीट से ऊपर के फ्लैट लोग बना रहे हैं, काफी लोग बना रहे हैं इसके अंदर। हम कह सकते हैं अगर बहुतों का नाम लेते हैं 3C वाले बना रहे हैं, आम्रपाली वाले बना रहे हैं जिसमें बड़े फ्लैट्स हैं इसके अंदर, और भी है ऑप्शंस हम लोग बना रहे हैं, प्रतिकूल भी बना रहे हैं। वो कहता है ना कि अगर अल्टीमेटली आपका जो घर होता है वही आपका जब दिन भर की थकान के बाद आप जब घर वापस आते हैं तो आपको वो फील आनी चाहिए कि हाँ आप वापस अपने घर पर आ रहे हैं, और वो लग्जरी फील अगर आता है तो आई थिंक इससे बेहतर क्या हो सकता है। मतलब साहब एक क्लोजिंग कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के अपार्टमेंट को चूज करने से पहले कस्टमर्स को कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
तो कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो क्योंकि लग्जरी के कहने के बाद क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या उसकी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है बढ़ जाती है, पर यूनिट प्राइस बढ़ जाती है, तो उसको देखना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, जो कॉस्टिंग बढ़ रही है दूसरे प्रोजेक्ट में कॉस्ट मिल रहा है मान लीजिए 4,000 से 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल रहा है कोई का, और दूसरा लग्जरी के नाम पर जो है 6,000 से 7,000 या 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ले रहे हैं, तो उन दोनों का कंपेरिजन करना चाहिए आखिर क्यों इसके अंदर है पूरा कंपेरिजन, फ्लोरिंग का कंपेरिजन करें, फ्लोरिंग क्या दे रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि जो है फ्लोरिंग 40 रुपए पर स्क्वायर फीट से शुरू होके और हाई नहीं 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक की फ्लोरिंग भी की जा सकती है जी, लेकिन इसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं है, तो जब वो कंपैरिजन करेगा तो कंपेयर करे स्पेसिफिकेशंस के ऊपर कि क्या स्पेशल दूसरे डेवलपर दे रहे हैं जो मिड सेगमेंट की सुविधाओं में किस तरह का अंतर है। मल्होत्रा साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से भी। मैं यही कहूंगा कि अल्ट्रा लग्जरी द वर्ड व्हिच आई सेड अर्लियर हैज अ कंपैरिजन एंड उस कंपैरिजन के लिए as already explained cost and we will make something ultra luxury which may start from something like 4,000 square feet to even about 6,500 square feet. Such flats would be something like by invitation. देखिए दो चीजें जिंदगी में पाना आप select नहीं कर सकते, एक आपने parents और दूसरा आपने neighbors, and we have it in our mind that when we go in for an ultra luxury segment by the Amrapali Group, we will certainly look into this aspect of invitation. That invitation will create quality of life. That will create एग्जैक्टली आपका नेबरहुड, आपके सराउंडिंग ये कैसा है, ये घर में घर लेते वक्त जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और खासतौर से अल्टीमेटली वो कहते हैं लेकिन जब आप घर में एंटर करें तो जो एक फील आता है वो फील ही शायद कहीं ना कहीं लग्जरी को डिफाइन करता है, वो फील आना जरूरी है। और अगर आप भी लग्जरी अपार्टमेंट की सोच रहे हैं तो कुछ बेहतरीन ऑप्शन हम आपको दिखाए हैं, और इस पूरे हफ्ते हमारी खास पेशकश 8 बजे जारी रहेगी, तो लगातार हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। लेकिन आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।